यूपी के महोबा जिले में पीएम मोदी के खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपी सरकार के दो मंत्रियों ने पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की पुण्यतिथि कार्यक्रम के आयोजन में पहुंचकर नवनिर्मित स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। प्रदेश सरकार के कृषि एवं चिकित्सा मंत्रियों ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यही वजह है कि समाज के अंतिम छोर तक सरकार की तमाम योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश मिश्रा के गृह गांव में आयोजित पंडित गणेश प्रसाद मिश्र की पुण्यतिथि में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान प्रदेश के दोनों कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने कार्यक्रम के दौरान कही। सरकार की योजना का गुणगान करते हुए यूपी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिसके चलते बुंदेलखंड के तमाम जनपदों में आत्महत्या करने को मजबूर किसान अब अपना खुशहाल जीवन बिता रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी और सीएम योगी का गुणगान करते हुए उन्हीं की सारी योजनाएं लोगों को समर्पित भाव से देने की बात कही। वित्त संसदीय कार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री सुरेश खन्ना ने पंडित गणेश प्रसाद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, हर प्रकार से बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। और योगी और मोदी जी की सरकार, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इस बात को फोकस भी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।